वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लंबे समय तो भारत के किसानों वालों 3 खेतीबाड़ी बिलों नूं लैके वड्डा अंदोलन किया जा रहा है। 26 जनवरी नूं कुछ दिल्ली दे विच अणसुखावियां घटनावां वापरियां ते उन्हां अणसुखावियां घटनावां ने अंदोलन नूं टाल लाउण दा वी कम कीता, इस गल च कोई शक नहीं है। अंदोलन नूं जाबते च रखण दी जिम्मेवारी जिहड़ी है वह अंदोलन की अगवाई कर रहे आगुआं दी हुंदी है। अंदोलन दौरान चंगा हुंदा है उहदे लई वी आगू जिहड़े है वह धन्नता दे योग मन्ने जांदे है, सलाहुण दे योग मन्ने जांदे है। ते जे अंदोलन दे दौरान कुछ अणसुखावियां घटनावां वापरदियां तां उहदी भी जिम्मेवारी जिहड़ी है वह अंदोलन दे आगुआं नूं लैनी पैंदी है। दिल्ली दे विच 26 जनवरी नूं लाल किले दे सामने जो कुछ होया, पुलिस ने किसानां नूं कुट्टिया या किसानां ने पुलिस दे उत्ते जिहड़ा है हथ चुकिया, जिवें कि वीडियो दे विच देखिया जा रहा है, ये हिंसा मारकुट भन्न तोड़ इहदे नाल सहमत नहीं होया जा सकता, ये मंदभागियां घटनावां ने। पर सुनन विच आ रहा है कि लाल किले के सामने खाली पोल के उत्ते एक निशान साहब चलाउण नूं लैके बड़ा वावेड़ा जिहड़ा है वह मचाया जा रहा है, ये बिल्कुल निर्मूल है। दिल्ली दे विच जदों सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली की फतेह दिवस मनाउंदी है, हर साल ही मनाया जाता, पिछले साल कोरोना वायरस कारण नहीं मनाया गया, तो उदों भी खालसाई निशान जिहड़े ने जो साडे धर्म के निशान है वह उत्थे लाल किले दीआं कंधां दे उत्ते लगाए जाते। गलवान घाटी दे विच साडे बार्डरां दे उत्ते बैठी जिहड़ी सिख रेजिमेंट है वह भी देश दे झंडे दे नाल नाल जिहड़ा साडा धर्म का प्रतीक खालसा निशान है वह चलाउंदी है। इसे 26 जनवरी नूं जदों गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान झाकियां निकलियां तो उन्हां झाकियां दे विचों एक झाकी धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह नूं समर्पित सी। गुरद्वारा साहिब दी बहुत खूबसूरत इमारत बनाई है तो उहदे सामने भी दो खालसाई निशान जिहड़े है वो लगाए गए। खालसाई निशाना नूं जिहड़े साडे धर्म दे निशान है इन्हां नूं खालिस्तान दे निशान कह के भंडणा ये किसी भी ढंग दे नाल जायज़ नहीं है। निशान साहिब जिथे भी किते सुशोभित हुंदा है, चाहे गुरद्वारा साहिब दे विच होवे, किसी ने मोटरसाइकिल ते लाया होवे, किसी ने लंगर जिथे वरताया जांदा उत्थे लाया होवे, इहदा एक महत्व है, इस जिम्मेवारी का एहसास कराउंदा है कि यह अस्थान जिहड़ा ऐसा है जिथे अधर्म लई पाप लई कोई जगह नहीं है, इत्थे न्यासरे नूं आसरा मिलेगा, भुखे नूं रिज़क मिलेगा, नंगे नूं वस्त्र मिलणगे, बीमार नूं दवाई मिलेगी, और जिहदे कोले रहण वास्ते कोई स्थान नहीं है उहनूं रहण वास्ते जगह मिलेगी। ये एहसास निशान साहिब साडा करवाउंदा है। इस करके मैं समझदा कि निशान साहिब जिहड़ा लाल किले के सामने खाली पोल के उत्ते किसी ने जे ला दिता निशान साहिब कह लो, उन्हों झंडी कह लो, क्योंकि साढ़े जिहड़े है कई वीर जिहड़े है सड़कां दे किनारे झंडियां भी लाउंदे है जदों नगर कीर्तन जिहड़ा है वह गुजरदा है जिन्हां राहां तों जिन्हां सड़कां तों, तां इह कोई अपराध नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है। इस करके इसनूं जिहड़ा है लै के भंडी प्रचार करना ये किसी भी ढंग दे नाल वाजब नहीं मन्निया जा सकता। हमेशा ही पीड़ां दे विच अक्सर ही जदों इस तरह दीआं घटनावां वापरदीआं ते जिहड़े दोषी हुंदे आ जिम्मेवार हुंदे आ भन्न तोड़ करन वाले वो हमेशा बच निकलदे आ, ते जिहड़े इनोसेंट हुंदे आ जिहड़े निर्दोष हुंदे आ वह हमेशा जिहड़ा गिरफ़्तार कर लए जांदे आ फड़ लए जांदे आ। तां 26 जनवरी नूं भी कुछ ऐसा ही होया,
बहुत सारे इनोसेंट जिहड़े ने निर्दोष जिहड़े ने वह भी फड़े गए। तो यह मंदभागा वरतारा जो कुछ 26 जनवरी को होया वो नहीं होना चाहिए सी। अंदोलन के आगुआ हुण अंदोलन जाबते दे विच रखण वास्ते जिहड़ी बयानबाजी है एक दूसरे के खिलाफ की जाती इनू बंद करके जिहड़ा है सूझ समझ दे नाल चलण की वधेरे लोड़ है, शांति नाल चलण की वधेरे लोड़ है। तो मसले का हल जिहड़ा वह गलबात राही होना है। एक कदम सरकार पिछे हटे तो एक कदम जिहड़ा है वह सानू भी जे पिछे हटना पैंदा है तो इहदे विच सियाणप ही है, कोई माड़ी गल नहीं है। मसले का हल होवे ते सिख जिहड़े साडे उत्थे बैठे ने भारत के किसानां दे नाल सारी किसान जिहड़े बैठे ने चाहे वह गाजीपुर के बार्डर ते है, चाहे वह सिंघू बार्डर ते है, टिकरी बार्डर ते है, सारे जिहड़े ने अपने अपने घरां चौण, परिवारां चौण, बच्चां चौण। अकाल पुरख अगे अरदास भी है कि सच्चे पातशाह साढ़े सारे ही अंदोलन दे विच शामिल जिहड़े किसान ने इन्हां नूं सुमत भी बख्शे, हौसला भी बख्शे। मैं एक बार फिर कहना चाहाँगा कि मसले का हल जिहड़ा वो गलबात राही ही होना है ते गलबात दे जिहड़े बदल है वो खुले रखे जाने चाहिए ने ते जिद जिहड़ी है उहनूं छड्ड देना चाहिए ताकि मसले का सुखावा हल होवे ते असीं अपने अपने घरे आईए। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।